हेलो फ्रेंड्स, झारखंड हाई कोर्ट ने फिर एक वैकेंसी निकाली है। बहुत सारी वैकेंसी इसमें, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं और इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पोस्ट हैं, क्या क्या पोस्ट हैं, कौन इसमें भर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया है, कब तक लास्ट डेट है, कब से शुरू है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। दोस्तों, मैं सारा इस वीडियो में बता रहा हूँ, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। आपको हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा सब कुछ जानने के लिए। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, शुरू करते हैं। स्वागत है आपका जी क्लास चैनल में, मेरा नाम है जीशान। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से आई हुई है वैकेंसी। ये देखिए, आपका एडमिशन नंबर 4 है 2018 का। सबसे पहला जो है आपका है वो है असिस्टेंट, पोस्ट कोड 1। देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसका जो पे स्केल है दोस्तों, ये है 9300 से 34,800 रुपया। उसका ग्रेड पे 4600 है, जो कि आपका 7th लेवल पे है। इस तरह से आपका दूसरा जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, पोस्ट कोड, इसका पे स्केल भी सेम है 9300 से 34,800। इसका सिर्फ जो ग्रेड पे है अलग है, 4200 है। और कैशियर का सेम है, जो कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है। और आपका ट्रांसलेटर का जो है वो आपको जो असिस्टेंट का है, इस तरह से सेम है 9300 से 34,800 और 4600 आपका ग्रेड पे है। और उसके बाद आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये जूनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट कोड 5 है। इसका भी पे स्केल 9300 से है 34,800। इसका ग्रेड पे 4200 है। सब जो दोस्तों हैं, ये है 7th पे में मिलेगा आपको, ये लेवल 6 है आपका। और टाइपिस्ट का जो है आखिरी में 6 नंबर पोस्ट पे, इसका 5200 से 20,200 है। और इसका ग्रेड पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2400 रुपया है। और जो इसमें मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको, ये स्टेप बाई स्टेप मैं पूरा बताऊँगा आपको। हमारे वीडियो को छोड़िएगा मत, लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए, आपको दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपको जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन भरना है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए ऑफलाइन का कोई सुविधा नहीं है। देखिए, शुरू कब से होगा ये, 8/10 यानी 8 अक्टूबर 2018 से ये शुरू होगा, अभी टाइम है। और क्लोजिंग डेट जो है वो 23/10 यानी 23 अक्टूबर को लास्ट होगा। अब देखते हैं आगे वैकेंसी के जो पोजीशन है वो कैसे कैसे है। ये देखिए वैकेंसी पोजीशन, ये आपको सीरियल नंबर है जो आपका, ये पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट, इसमें आपको जो पोस्ट कोड 1 है, इसमें अनरिजर्व के लिए 27 पोस्ट है, प्लस एक जो है वो एंटीसिपेटेड वैकेंसी है। यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा है स्टार मार्क है, यहाँ भी स्टार मार्क है, यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है। और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप, एससी के लिए, एसटी के लिए, सबके लिए अलग अलग है। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट असिस्टेंट का वो 64 है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का आपका टोटल एक पोस्ट है, वो सिर्फ अनरिजर्व में है। कैशियर के लिए आपका एक पोस्ट है, वो भी आपका अनरिजर्व में है। ट्रांसलेटर के लिए आपका एक पोस्ट है, वो सिर्फ एसटी के लिए है। और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए जो है वो एक पोस्ट, वो अनरिजर्व में है। और जो टाइपिस्ट का जो दोस्तों है, टोटल जो है वो 5 पोस्ट है, उसमें से 3 अनरिजर्व में है। आपका एसटी के लिए एक है और BC1 के लिए एक है। ये रहा वैकेंसी का डिटेल। अब आगे चलते हैं, इसमें मुझे क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, चलिए हम चलते हैं एक एक पोस्ट के द्वारा जानता हूँ। देखिए, अब असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, और कंप्यूटर का काम आपको आना चाहिए, और विथ साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग इन कंप्यूटर, और आपको टाइपिंग आना चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। दूसरा नंबर जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, वो भी होना चाहिए ग्रेजुएट आपको, किसमें होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, ये सब्जेक्ट है, तभी आप इसमें भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। 3 नंबर पर कैशियर, ये देख रहे हैं आप, इसके लिए आपको कॉमर्स होना चाहिए या इकोनॉमिक्स में होना चाहिए ग्रेजुएट, तभी आप भर सकते हैं। देखिए, 4 नंबर पर ट्रांसलेटर है, इसके लिए आपको सिंपल होना चाहिए ग्रेजुएट, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए आपको, आप भर सकते हैं। और 5 नंबर पे आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जूनियर ट्रांसलेटर, इसके लिए भी आपको सिंपल चाहिए ग्रेजुएट। और टाइपिस्ट के लिए दिखा रहा है आपको, जो आखिरी जो है सबसे लास्ट का, इसके लिए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए ग्रेजुएशन, कोई भी विषय में चलेगा। और साथ में क्या होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपको 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवेन इन, उसको इसमें प्राथमिकता मिल जाएगा जो कि कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ टाइपिंग इन हिंदी, जिसको कि हिंदी भी साथ में आता होगा इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, पर साथ में इसको हिंदी आता होगा उसको इसमें पहले लिया जाएगा। अब देखते हैं एज, एज में क्या क्या इसमें है। एज जो है दोस्तों आपको 1/8/18 को कितना होना चाहिए दिखा रहा हूँ आपको। अनरिजर्व के लिए जो है 18 है मिनिमम, और अपर एज लिमिट 35 है, और उसमें जो लेडीज हैं वोमेन के लिए 38 है, और जो डिफरेंटली एबल्ड है PH जो है उसके लिए 40 है, BC1 के लिए 18 है,
अपर एज लिमिट 38 है, वुमेन के लिए सेम है 38 है, BC2 के लिए 18 है, अपर एज लिमिट 38 है, वुमेन के लिए 38 है, और जो PH है उसके लिए 43 है, ये जो SC है उसके लिए 18 है मिनिमम, मैक्सिमम 40 है, जो वुमेन है उसके लिए भी 40 है, जो PH है उसके लिए 45 है, जो ST है उसके लिए मिनिमम 18 है, और जो अपर एज लिमिट है वो 40 है, वुमेन के लिए 40 है, और जो अपर एज लिमिट जो PH के लिए है वो 45 है। ये रहा आपका एज। चलिए आपको हम मेन मेन पॉइंट दिखा रहे हैं, जो बहुत सारा है आपको मैं मेन मेन पॉइंट दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में सुविधा होगी। देखिए सबसे पहले मेन चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, इनक्लोजर टू बी सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप जो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरिएगा उसमें क्या क्या आपको चाहिए, देखिए दिखा रहा है आपको। पहला नंबर, ए स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। आपको जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर को स्कैन किया होना चाहिए, जो कि आप जनरली सब चीज़ में भरते हैं फॉर्म में। ए स्कैन कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये आपको जो जन्म तिथि है उसके प्रूफ के लिए आपको मेट्रिक का सर्टिफिकेट देना होगा, स्कैन कॉपी अपलोड करना पड़ेगा साइट पे। और ए स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल या ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट इन ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन अगर आप भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री में चाहिए ही, उसके लिए आपको प्रोविजनल या ओरिजिनल डिग्री का जो स्कैन कॉपी उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। चार नंबर देख रहे हैं, ए स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें कि कंप्यूटर मांगा गया है उसमें आपको DC का जो कोर्स किया आपने सर्टिफिकेट उसको आपको दिखाना पड़ेगा, ये दिखा रहा है। फोर, पोस्ट कोड 1 के लिए। देखिए पाँच नंबर में, ए स्कैन कॉपी ऑफ टाइपिंग सर्टिफिकेट शोइंग टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट। आपको जो 40 वर्ड पर मिनट का जो से आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उसमें आपको ये मेंशन होना चाहिए कि आप 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग जानते हैं। ये है फॉर द पोस्ट कोड 6 only, ये टाइपिस्ट के लिए है। इसमें आपको अगर हिंदी रहेगा वो बहुत अच्छा है, आपको सबसे पहले लेगा। देखिए आते हैं 6 नंबर पे, ए स्कैन कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एज पर नॉर्म्स। नीचे में इसका फॉर्मेट दिया गया है, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं कास्ट का, तो आपको उसमें फॉर्म भरकर डिप्टी कमिश्नर या SDO से आपको साइन करवाना होगा, फॉर रिजर्व कैटेगरी ओनली जो इसका लाभ लेना चाहते हैं। देखिए 7 नंबर, डिटेल्स रिगार्डिंग साइज डायमेंशन ऑफ फॉर्मेट ऑफ अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा उसमें आपको क्या साइज होना चाहिए, यहाँ पर सारा क्लियर किया है, देखिए दिखा रहा है। पहला नंबर पे डॉक्यूमेंट नाम क्या क्या है, कलर स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट। आपको जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो कलर होना चाहिए less than 2 MB, 2 MB से ज़्यादा होगा तो वो नहीं लेगा, और जो उसका डायमेंशन होना चाहिए 200 × 300 पिक्सल होना चाहिए, ये JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा फॉर्मेट नहीं लेगा। देखिए 2 नंबर पर एप्लीकेशन का जो एप्लीकेंट का जो सिग्नेचर है होना चाहिए ब्लैक इंक से, क्या होना चाहिए बहुत लोग पूछते हैं कमेंट में, ब्लू से करूँ या ब्लैक पेन से करूँ, यहाँ पर साफ कर दिया है आपको ब्लैक पेन से करना है सिग्नेचर, सेम वही चीज़ है, आपको 2 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पर जो डायमेंशन है वो 140 × 60 पिक्सल होना चाहिए, और ये भी फॉर्मेट जो है JPG या PNG होना चाहिए। और स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट, जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए 2 MB से कम का, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं लेगा। ये जो है डायमेंशन इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और ये भी होना चाहिए फॉर्मेट JPG और PNG में होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, फी फी जो है आपका 500 रुपये लगेगा, जो अनरिजर्व है जो BC1 है और BC2 के लिए, और जो आपका SC ST है उसके लिए 125 रुपये लगेगा। और यह दिखा रहा हूँ आपको, ये भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं क्या मैं दूसरा फॉर्म भर सकता हूँ दूसरे पोस्ट के लिए, यहाँ दिखा रहा है सेपरेटली फॉर इच द पोस्ट अप्लाइड फॉर। यदि आप दूसरे पोस्ट के लिए आप एक से ज़्यादा पोस्ट भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से फी करना पड़ेगा पेमेंट, ठीक है। डिटेल्स विथ रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ फी, आपको कैसे करना है पेमेंट का जो मेथड है वो ऑनलाइन होगा, और जो गेटवे का नाम है वो इंस्टामोजो है। पेमेंट का जो ऑप्शन है वो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से ये आपको लिया जाएगा। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपका 10 तारीख से जो चालू होगा ऑनलाइन, मैं सबसे पहले वीडियो बना के उस पर लाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं शुरू से अंत तक सारा डॉक्यूमेंट फोटो सिग्नेचर सब कुछ अपलोड करके आपको दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करके भी दिखाऊंगा। इसलिए हमारे वीडियो को देखिए, और वो वीडियो बहुत जल्द मैं लाऊंगा, जैसे ही शुरू होगा मैं उस वीडियो बनाऊंगा। देखिए यह दिखा रहा, नोट फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंड, एक बार जमा कर देंगे आप दोबारा ये आपको रिफंड नहीं होगा। चलिए आप आगे चलते हैं, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, देखिए दिखा रहा इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड अप इन इंग्लिश ओनली। आपको जो फॉर्म भरना है टोटली इंग्लिश में भरना है आपको। सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी फिल्ड अप फॉर इच पोस्ट, अगर आप, मैंने पहले बताया आपको ऊपर में वीडियो में कि आप अगर एक्स्ट्रा भरना चाहते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट, आपको सेपरेट भरना पड़ेगा, इसी में एक
ऑनलाइन फॉर्म में आप नहीं भर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से आवेदन करना पड़ेगा, अलग से फीस देना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे हैं, आप नीचे पढ़ लीजिए अपना, और मैं एक एक बताऊंगा। तो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको जो मेन मेन पॉइंट है वो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दिखा रहा हूँ यहाँ मेन पॉइंट, एप्लीकेशन विथ एलिजिबल या ब्लर्ड फोटोग्राफ। यदि आपका फोटो सही नहीं है, डॉक्यूमेंट आपका सही से स्कैन नहीं हुआ है, या आपका जो सिग्नेचर है सही से अपलोड नहीं हुआ है, तो आपको फॉर्म रिजेक्ट वो कर देगा, यहाँ साफ बता रहे। इसलिए फोटो को सही से स्कैन कीजिए, सही से फॉर्म भरिए। ऐसे मैं इस पर वीडियो बना के बहुत जल्द लाने वाला हूँ, जैसे ही शुरू होगा मैं लाऊँगा। देखिए यहाँ दिखा रहा है, इसके लिए आपको रिटन एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट जिसके लिए जरूरी है, और लास्ट में वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा। देखिए यहाँ पोस्ट कोड 2 से 5 के लिए रिटन टेस्ट फॉलो बाय टाइपिंग होगा, 6 नंबर के लिए मैं दिखा रहा आपको। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ये इसका फॉर्मेट है, यानी आपको ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है आपको सेम इस तरह से भरना है, आपको ऑफलाइन नहीं भरना है। यहाँ सिर्फ उसका फॉर्मेट दिया गया है, इस तरह से आपको ऑनलाइन फॉर्म में ऑप्शन आएगा। अब आगे चलते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि सभी कमेंट करते हैं कि सर सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या। देखिए दिखा रहा है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस एंड अदर डिटेल्स। देखिए जो पहला पोस्ट है असिस्टेंट के लिए, पोस्ट कोड 1, उसके लिए सिलेबस क्या है। आपको रिटन टेस्ट होगा जो कि 90 मार्क्स का होगा, 90 नंबर का। उसके लिए 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, एडिशनल टाइम दिया जाएगा 20 मिनट किसके लिए, जो कि फिजिकली पीएच हैं। आपको जो जनरल BC 1 और BC 2 के लिए 40% नंबर लाना, क्वालिफाई करना उसके लिए अनिवार्य है। जो ST ST के लिए वो 30% लाना है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और 2 नंबर पर कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और इसका आपको जो होगा 5 मिनट का होगा। ये आपको 20 मिनट में 100 वर्ड टाइप करना है। और जो यहाँ भाया भाई से, ये 15 मार्क्स का होगा, ये 5 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरीज के लिए ये है। देखिए दूसरा नंबर है सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, इसमें जो एग्ज़ाम को रिटन कैसा होगा, ग्रुप 1 में क्या पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश है, कंपराइजिंग ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश पैराग्राफ है, राइटिंग एंड इंग्लिश वर्ड पावर 30 मार्क्स का है। और ग्रुप 2 में ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज 30 मार्क्स का है। और ग्रुप 3 में न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग टेस्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिकल टेस्ट ऑफ मेट्रिक स्टैंडर्ड 30 मार्क्स का होगा। इसमें जो है कंप्यूटर टेस्ट होगा, देख रहे हैं आप, ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग के लिए है। ये आपको कंप्यूटर पर ले जाएगा, मैं आपको पहले बताया 20 मिनट में आपको 100 वर्ड टाइप करना है। दूसरा नंबर पे है ये है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इस तरह से सारा का मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। सारे पोस्ट का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मेरे जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं दे दूंगा, और वेबसाइट पर आपको ये सारा लिंक मिल जाएगा, आपको हिंदी में आप सब कुछ आसानी से देख सकते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको सारा कुछ, आपको टोटल स्केल पे सैलरी कितना है, क्या आयु सीमा है, सब कुछ मैंने बताया, सारा कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप डायरेक्ट फुल डिटेल्स और जो सिलेबस है वो भी आप पा सकते हैं, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आवेदन यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। शुरू होगा यहाँ से, आपको मैं लिंक वहाँ से जोड़ दूंगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। इस तरह से आप हमारी वेबसाइट से पा सकते हैं, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरह रहा, इसमें सारा कुछ दिया गया है, इसमें आप सिलेबस देख लीजिए, सारा सिलेबस मिल जाएगा आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जोर दबा दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में दबाइए बेल आइकन को, ताकि इस तरह के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।